हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड एंड ब्यूटी। एंड मेरा नाम है अंजलि। तो फ्रेंड्स, आज जो है सोफ़ा क्लीनिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, रैगजीन सोफ़ा क्लीनिंग की वीडियो। तो इसमें क्या है, रैगजीन जो है, रैगजीन वाले जो सोफ़े होते हैं उनको क्लीनिंग करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो इसमें बहुत सारी मैं टिप्स देने वाली हूँ, जैसे कि हम रैगजीन के सोफ़े हम घर में बहुत आसानी से क्लीनिंग कर सकते हैं। और कुछ लोग तो है वैक्यूम क्लीनर से भी घर में क्लीन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, या फिर वो अलग से ही जो है फर्नीचर वालों से ही अलग से ही क्लीनिंग करवाने के लिए भेजते हैं। तो घर में भी हम इजी तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत ईजी मेथड्स हैं जिनमें मैं आपको छोटी छोटी टिप्स भी दूँगी, जो कि आपके लिए जो है डेली आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका सोफ़ा क्लीनिंग भी रहेगा, और जब भी आपको मंथली या फोर्थ मंथ में, आपको जब भी 4 महीने में 2 महीने में 1 महीने में आपको जब भी क्लीन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हैवी वाले रैगजीन के सोफ़े हैं, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था और मैंने किसी फैक्ट्री से बनवाए थे, वो मैंने शेयर भी किया हुआ है आपको सोफ़े के डिज़ाइन। तो इस तरह से है, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो सोफ़े हैं इनके कुशंस हैं और इन रैगजीन के हैं, तो ये मैले हो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि वाइट बेस है और ब्लैक में है। तो इसमें मैंने एक छोटी सी बाल्टी में सरफ का घोल बना लिया, आप चाहें तो शैम्पू का घोल भी बना सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और साथ साथ हम बेकिंग सोडा और टूथब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के सोफ़े होते हैं, वो उस तरह से भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी बाल्टी में थोड़ा सा सरफ और थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना के, और उसको इस वाली सुब्बी से मैंने स्पंज से साफ़ करा। ज़्यादा वैसी वाली स्पंज नहीं लेनी, वरना निशान पड़ जाएंगे या ख़राब भी हो सकता है। बहुत सॉफ्टली स्पंज लेना है, जो कि सॉफ्टली रब हो, या फिर आप टूथब्रश से भी कर सकते हैं और कॉलिन से भी कर सकते हैं। बट कॉलिन तो बस थोड़ा सा टचअप करने के लिए, क्लीन करने के लिए कॉलिन यूज़ किया जाता है। डेली तो कॉलिन हर 1-2 महीने में कॉलिन से साफ़ नहीं हो पाएगा, वो टेम्पररी है। बट आपको अच्छे से साफ़ करना है तो ये मेथड ज़्यादा बेस्ट है साफ़ करने के लिए। फ्रेंड्स, हमने इसमें स्पंज से जो है रब करके, उसके बाद हमने गीले टावल से इसको पोंछ लिया, और उसको मैंने थोड़ी देर धूप में रख दिया कुशंस को, ताकि धूप में हवा लग जाए और थोड़ा सा सूख भी जाए। और उसके बाद जो है, आप सोफ़े अगर सोफ़े को बाहर रख नहीं सकते तो आप उस पर फैन चला दें तो उससे भी सूख जाएगा। तो इस तरीके से है, मैंने क्या किया, उस तरह से पानी में घोल के, और पानी, सरफ और बस ये चीज़ें घोल के, आप चाहें तो बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद इसको घोल के इसे स्पंज से रब कर लें और साफ़ कपड़े से पोंछ लें। एक टावल ले लें और सोफ़े के लिए अलग से ही रखें टावल आप, और उसे आप साफ़ पानी से वॉश करके उसे निचोड़ कर, उसके बाद इसे साफ़ टावल से क्लीन कर लें, बस ऐसे पोंछ लें तो ये सारा साफ़ हो जाएगा। फिर से वापस से पानी में डिप करें और टावल को वापस से निचोड़ कर वापस से इसे पोंछ लें। इसे क्या है, जो हमने स्पंज से हमने इसे साफ़ करा, रगड़ा, तो वो इसे साफ़ भी हो जाएगा। तो हमने ऐसे इजी मेथड से करा है। और अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आप वैक्यूम क्लीनर भी इसके ऊपर वापस से कर सकते हैं टावल से पोंछने के बाद। तो इस तरीके से मैंने जो है साफ़ करे हैं। अगर आप सरफ नहीं डालना चाहें तो आप पानी में थोड़ा सा शैम्पू घोल के भी उससे भी कर सकते हैं। और जो डेली हमको क्लीन करना होता है तो आप कॉलिन से भी क्लीन कर सकते हैं। और ये जो है सोफ़ा, ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, इसको मैंने किसी फैक्ट्रीज में ऑर्डर देके बनवाया था। और ये ऊपर की सीट हट जाती है, बट नीचे की जो बैठने वाली सीट है वो नहीं हटती, वो हमने चिपकवाई हुई हैं, वो अच्छे से लगी हुई हैं, बस ये ऊपर की गद्दी हट सकती हैं। और साथ साथ जब आपको टिप, छोटी छोटी टिप्स ये है कि आपको जैसे सोफ़े पे थोड़ा सा दाग लग जाए तो आप बेकिंग सोडा ऊपर बुरक के, और मतलब ऊपर स्प्रिंकल करके ऊपर टूथब्रश से रगड़ लें और उसको साफ़ कपड़े से, टावल से, गीले टावल से पोंछ लें, तो उससे भी दाग जल्दी हट जाते हैं। और साथ साथ आप इसमें जब भी आपको थोड़ा सा क्लीनिंग करना हो तो आप छोटे मोटे इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं इस तरह से, और वैक्यूम क्लीनर से भी क्लीन हो जाता है। बट कुछ लोगों के पास अगर वैक्यूम क्लीनर ना हो तो हम इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको शो किया कि मैंने किस तरह से क्लीन किया बिना वैक्यूम क्लीनर के। और अगर आपके पास हो तो ये प्रोसेस करने के बाद वैक्यूम क्लीनर से कर लें, या फिर आप जो है फ़ैन चला के, जब आप टावल से पोंछ लेंगे तो फ़ैन से भी सूख जाएगा। तो इस तरह से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है, वाइट वाला। देखा आपने कि कितना ईजी था इसे क्लीन करना घर में, और बिल्कुल वाइट अच्छे से क्लीन हो चुका है बिल्कुल। सोफ़े में हमने क्विल्टिंग भी कराई हुई है बैक साइड में, आप देख सकते हैं, और साथ साथ मैंने क्लीनिंग की वीडियो इसमें हमने हैंडल्स में भी क्विल्टिंग करवाई थी। आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह से आप लोग की अच्छी वीडियोज़ आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।